इसे वॉलीबॉल का ये प्रतिभा खोज चयन प्रतियोगिता जो की जा रही है, इसमें सबसे अहम है कि इसमें 12 से 14 साल के वैसे बच्चे जो या तो वॉलीबॉल खेलते हों या नहीं खेलते हों, लेकिन उनकी हाइट 170 प्लस है, वो इस चयन प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। वहीं सेम साइमल्टेनियसली 15 से 18 साल के आयु वर्ग के जो बच्चे होंगे उनका हाइट कम से कम 180 होगा, तभी वो इस चयन प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और चयन प्रतियोगिता में भाग लेने के पहले उनको आधार कार्ड का कॉपी, अपना ओरिजिनल और 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, लेकिन आधार कार्ड में जो उनका अंकित है वो बायोमेट्रिक जांच नहीं होगी, यहाँ बायोलॉजिकल मेडिकल कराया जाएगा, जो वास्तविक रूप से डॉक्टर के द्वारा अप्रूव्ड एज बताया जाएगा उसी एज ग्रुप में उनको रखा जाएगा या उनसे उसको बाहर कर दिया जाएगा। और वैसे लोगों को पूरे दिन कल 8 बजे से रिपोर्टिंग है पाटलिपुत्र खेल परिसर में, और शाम तक उनका मेडिकल, बायोलॉजिकल मेडिकल कराने के उपरांत अंतिम रूप से 98 प्लेयर्स को रखेंगे, जिसमें 8 टीमों का गठन किया जाएगा और 8 टीमों का नाम जो होगा वो IPS या पुलिस डिपार्टमेंट के जो भी शहीद या मरणोपरांत जो वॉलीबॉल के प्लेयर रहे हैं उनके नाम पर 8 टीम का नामकरण होगा, और उस 8 टीम के बीच 4 और 5 को मैच कराया जाएगा, जिसमें अंतिम रूप से जो फाइनलिस्ट टीम खेलेगी 12 और 12 लड़कों का, उसको प्रोत्साहन स्वरूप ट्रैक सूट की सभी लड़के को ट्रैक सूट दी जाएगी। और इसमें अंतिम रूप से 40 लड़कों का हम लोग चयन करेंगे, 98 में 40 या 35, वो 35 लड़कों में जो सबसे टॉप हाइट के प्लेयर होंगे उसमें से 2-4 प्लेयर को हम लोग बाहर भारत के किसी कोने में एकेडमी में अच्छे प्रशिक्षण के लिए भेजेंगे, और बाकी को यहीं पाटलिपुत्र खेल परिसर में सरकारी खर्च पर रखकर उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, और जैसे जैसे उसमें ग्रेजुअली बच्चे इंक्रीज करेंगे उसको फिर बाहर दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है इस वाले बच्चे। ओके, थैंक यू सर।